हेलो, गुड इवनिंग क्लास। हमारा जो चैप्टर था एनवायरनमेंट वाला, ये चैप्टर ठीक है, और इसी के साथ जो अटैच करके पढ़ाया गया था मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ये दोनों ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं पूरा। और अभी सिर्फ क्वेश्चंस कुछ कराने हैं, तो जब स्कूल ओपन होगा तो सामने सामने कराएंगे, ठीक है। अब आप ऐसा करें, नेक्स्ट डालें, चैप्टर का नाम ना डालिएगा, लिखिए सिर्फ ऐसे लिख दीजिए फ्यू पॉइंट्स, ठीक है। फ्यू पॉइंट्स में ऐसे स्टार बना बना करके जो भी पॉइंट मैं सेंड करूँगी वो लिखिएगा। आप जैसे आज सेंड किया है ट्रांसपायरेशन, ठीक है, तो व्यू पॉइंट बनाइए, स्टार बनाइए और लिख दीजिए ट्रांसपायरेशन। अब ट्रांसपायरेशन क्या होता है कि वो प्लांट जो होते हैं जब उनको पानी दिया जाता है तो पानी जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं और बाकी पानी जो है एटमॉस्फेयर में वापस कर देते हैं। तो ये जो लॉस ऑफ वाटर होता है प्लांट से, फ्रॉम द ये ऊपर के पार्ट से, तो उसी को कहा जाता है ट्रांसपायरेशन, ठीक है। ओनली 1%, ठीक है। तो अगर 100% प्लांट को पानी दिया गया तो 1% इन्होंने यूज़ करा और बाकी 99% पानी जो है वो बाहर एटमॉस्फेयर में दे देते हैं। तो यानी कि ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन अगर पूछी जाए कि क्या होता है ट्रांसपायरेशन, तो लिखा जाएगा आपका लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक। तो ये ट्रांसपायरेशन होता है। डेफिनेशन में क्या लिखी हुई है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच वाटर इवेपोरेट्स, यानी कि लॉस ऑफ वाटर इन द एटमॉस्फेयर फ्रॉम लीव्स एंड स्टेम ऑफ लीव्स, ठीक है। लीव से होता है, ये जो लीव्स बना हुआ है यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं ना, इस पोर्स के थ्रू जिसको स्टोमेटा कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोर्स बने हुए हैं जिनको स्टोमेटा कहा जाता है, उसी के थ्रू जो है पानी बाहर चला जाता है। तो ये लीव्स का हो गया। अब स्टेम में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो स्टेम में तीन तरह के, ठीक है। और जो स्टेम में होते हैं या स्टोमेटा जो है, तीन तरह के और होते हैं, ठीक है। एक हो गया आपका स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, यानी कि ट्रांसपायरेशन जो होता है आपका तीन तरीके से होता है। एक हो गया आपका स्टोमेटा से, जो स्टोमेटा कहाँ पाया जाता है, लीव्स में पाया जाता है, ठीक है। एक और पोर होते हैं जिनको कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपायरेशन होता है, 90% ट्रांसपायरेशन जो होता है स्टोमेटा के थ्रू होता है। ट्रांसपायरेशन होता क्या था कि ये प्लांट ने जो पानी एब्जॉर्ब किया है वो अपना पानी वो इवेपोरेट कर दे, बाहर निकाल दे, ताकि एटमॉस्फेयर में पानी का बैलेंस बना रहे। तो ये तीन तरीके से होता है ना। एक हो गया आपका स्टोमेटा के थ्रू, जो लीव्स में होते हैं स्टोमेटा, ये जो लीव्स है देखिए, ऐसे जो लीव्स होती है ना, इसके सरफेस पे स्टोमेटा ऐसे पोर्स पाए जाते हैं छोटे छोटे, इनके थ्रू जो होता है वो पानी इवेपोरेट होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है सारा कुछ। तो सबसे पहले जो लीफ पाया जाता है उसको 90% वहाँ से ट्रांसपायरेशन होता है और वो स्टोमेटल होता है। अब 10% ट्रांसपायरेशन जो होता है स्टेम और लीव्स दोनों से होता है, स्टेम और लीव्स दोनों से होता है, जिसको कहा जाता है क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, ठीक है, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। अब क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन जो होता है वो 10% होता है, स्टेम और लीफ दोनों पे होते हैं। एक और ट्रांसपायरेशन होता है जिसको कहा जाता है लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन, ठीक है। इसमें 1% सिर्फ ट्रांसपायरेशन होता है और ये जो लेंटी सेल्स होती हैं पोर्स टाइप की सेल, वो सिर्फ और सिर्फ स्टेम में पाई जाती हैं, ठीक। देखिए जो लीव्स होती है ना, ये लीव्स पे जो पोर्स बने होते हैं ऐसे ही पोर्स होते हैं, ठीक। ये जो लीव्स पे पोर्स बने होते हैं वो इसी तरीके से ऐसे बने होते हैं। ये यहाँ पे ये देखिए, ये जो गैप दिखाई दे रहा है ना, यहीं पे यहीं से अब बाहर जाकर एक्सचेंज होता है गैसेस का, पानी का, वाटर का, सारा कुछ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन जहाँ से 90% ट्रांसपायरेशन होता है, क्यूटिकल ट्रांसपायरेशन जहाँ से 10% ट्रांसपायरेशन होगा, और लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन जहाँ से 1% ट्रांसपायरेशन होगा। तो ये तीनों पॉइंट जो है वो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। और कॉपी में क्या करना है, नेक्स्ट चैप्टर कैसे बनाना है, चैप्टर का नाम नहीं लिखना है, लिखना है नेक्स्ट फ्यू टॉपिक्स, ओके। फ्यू टॉपिक्स आप लिखोगे और स्टार बना बना करके सारे पॉइंट्स लिखेंगे आप लोग, ओके। गुड बाय, टेक केयर।